हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल में पॉसिबल 11 के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये मैच वीडियो है, ये मैच है बिग बैश प्रीमियर लीग 2020-2021 का जो सीज़न चल रहा है उसका मैच जो खेले जाने वाला है बिटवीन ब्रिस्बेन हीट एंड पर्थ स्कॉचेस। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलेगी। लेन फॉर्म में है कैप्टन ब्रिस्बेन हीट के, वहीं ऑस्टिन टर्नर पर्थ स्कॉचेस, जेसन रॉय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लाइम लिविंगस्टन, मनरो, तो एक अच्छी बढ़त हमें देखने की उम्मीद है। दोनों ही टीम काफ़ी कंसोलिडेटेड है। तो ये कल का मैच है, 19 जनवरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार बता रहा हूँ मैं ये मैचेस। तो सबसे पहले हम दोनों ही टीम को गौर फरमाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं पॉसिबल 11 की एप्लीकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अगर आप फैंटेसी स्पोर्टिंग साइड या फिर ड्रीम 11 से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है या फिर वरदान है, क्योंकि आपको बहुत इजी होती है किसी भी मैच की टीम बनानी हो। अगर आपको ऐसे नॉर्मल टीम बनाते तो आपको घंटों लग जाते हैं डेटा निकालने के लिए, इन्फॉर्मेशन लगाने के लिए, लास्ट मैचेस में कौन कितने रन बनाया, कैसे बनाया, ऐसे वैसे एंड द ATCs, तो ये सब चीज़ें होती है। पर आपको पॉसिबल 11 में सभी डेटा एक्सपर्ट द्वारा अलाइन की हुई मिलती है। और एक और खासियत है कि आप इस मैच से पैसे भी कमा सकते हैं, और वो कैसे कमा सकते हैं उसके लिए एक वीडियो है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हाउ टू अर्न फ्रॉम पॉसिबल 11 ऐप। तो एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई प्लेइंग 11 को, पॉसिबल प्लेइंग 11 को हम यहाँ पर देख सकते हैं। पर्थ स्कॉचेस की तरफ से बात करूँ तो जेसन रॉय, लाइम लिविंगस्टन दोनों ही ओपनिंग करते हुए देखेंगे। दोनों ही काफ़ी बेहतरीन और अग्रेसिव ओपनिंग जुड़ी माने जाते हैं बिग बैश में। अभी तक काफ़ी सफल प्रदर्शन दिखाया हुआ है जेसन रॉय ने। लाइम लिविंगस्टन एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी तक उतने पोटेंशियल से नहीं दिया हुआ है पर एक अच्छे खिलाड़ी है। फिर कॉलिन मनरो आपको देखेंगे तीन नंबर पे, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी, आप जैसे कि जानते हैं T20 में एक बड़ा नाम, न्यूजीलैंड के ओपनर। फिर आपको चार नंबर पे देखेंगे जोश एग्नेस, PBL में इनका अच्छा करियर अभी तक बन गया है, दो तीन सीजन काफ़ी अच्छे स्ट्रेट गए हैं, रन्स बनाते हैं। फिर कैमरन बैंकक्रॉफ्ट आपको देखने को मिलेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर भी है ये, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अग्रेसिव खेलते हैं। फिर आपको देखेंगे कैप्टन ऑस्टिन टर्नर, याद होगा अगर आपको इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की जो ODI श्रृंखला थी, दो मैचेस जीती या फिर इंडिया लगातार तीन मैचेस हार गया, तो कुछ वही हिसाब है, इन्होंने ही मारा था, काफ़ी टर्न किया था गेम को इन्होंने, टर्नर ने। फिर आपको देखेंगे एरन हैडली एक बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से, फिर जॉय रिचर्डसन एंड टाई पैरंडाफ एंड फवाद अहमद, तो ये इनकी प्योर बॉलिंग, जॉय रिचर्डसन, टाई बैंकक्रॉफ्ट एंड फवाद अहमद, और हार्डी हल्की खासी बॉलिंग कर लेते हैं, और लाइम्स लिविंगस्टन का एक और इनके पास लिवरेज। वहीं दूसरी टीम की बात करें यानी कि ब्रिस्बेन हीट के, तो क्रिस लिन द कैप्टन, क्रिस्टोफर हेनरी लिन एक तरह से बोल सकते हैं, तो क्रिस लिन BBL में बहुत बड़े स्मैशर के रूप में जाने जाते हैं, कैप्टनसी करते हैं ब्रिस्बेन हीट के लिए, मैक ब्रांड के साथ ओपनिंग करते हुए देखेंगे। दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी है, बहुत पुरानी जोड़ी है टू बी ऑनेस्ट BBL की अगर माने तो, काफ़ी सीजन से। फिर आपको तीन नंबर पर देखेंगे जो डेनली, चार नंबर पे देखेंगे जो बर्न्स, पांच नंबर पे देखेंगे जिमी पियर्सन, काफ़ी सालों से ब्रिस्बेन हीट के खेल रहे हैं, अच्छी खासी इनिंग्स खेलते हैं, कभी कभी कुछ कोई टूर्नामेंट के कुछ कुछ मैचेस काफ़ी बेहतरीन रही है इनकी। फिर आपको देखेंगे छः नंबर पे लुइस ग्रेगोर, इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता है, ऑलराउंडर है, एक प्योर जेन्युइन ऑलराउंडर कह सकते हैं, जेम्स बेजली। फिर आपको देखेंगे सात नंबर पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप जैक वंडरमट, एक और बॉलिंग ऑलराउंडर, प्योर बॉलिंग ऑलराउंडर एक तरह से, मार्क शेटी, स्कीटी और जेवियर बार्लेट और क्यूमन, ये इनकी बॉलिंग। तो बॉलिंग मुझे थोड़ी वीक लगती है ब्रिस्बेन की, और कंपैरेटिवली पर्थ स्कॉचेस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी टीम है। तो ये 44th मैच है ये जो खेले जाने वाला है, देख सकते हैं हम टीम अपडेट्स की ओर चलते, तो सिडनी को डिफीट करके आ रहे हैं 7 विकेट से, और उनका ड्रीम रन चल रहा था, एक भी मैचेस नहीं आ रहे थे उन्होंने, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो टीम है इनकी अभी तक 21 पॉइंट के साथ है 10 मैचेस में, और मिडिल में है टेबल के, नॉट इन द डाउन। तो इनकी टीम की जैसे मैंने बात की प्लेइंग 11 की, कुछ वैसे ही टीम रहने वाली है। वहीं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बात करूँ तो एक पुअर स्टार्ट के बाद हल्का खासा कमबैक देखने को मिल रहा है, 20 पॉइंट के साथ 10 मैचेस में ये भी है, तो ज़्यादा कुछ इनके पीछे नहीं है। क्रिस लिन एंड को आर इन बॉटम हाफ ऑफ द टेबल, जी हाँ फ्रेंड्स, जस्ट नीचे एक तरह से कह सकते हैं पर्थ स्कॉचेस से, और 5 विकेट की विक्ट्री मिली थी लास्ट मैच रेनेगेड्स के खिलाफ, अच्छी अच्छा प्रदर्शन अभी तक चला है इनका। आप देखिए हेड टू हेड में भले ही 7-6 है, पर मुझे पर्थ स्कॉचेस थोड़ी ज़्यादा ही तगड़ी टीम दिख रही है एज़ पर द प्लेइंग 11 जो कि पॉसिबल प्लेइंग 11 है, तो मुझे लगता है एक तरफ पर लड़ा झुड़का हुआ है थोड़ा सा, भले ही अगर लेन बहुत बेहतरीन पारी खेलते तो वो बात अलग है।
क्योंकि बॉलिंग ही ब्रिस्बेन हीट के पास उतनी अच्छी नहीं है। टॉपिक्स की जहाँ तक की बात हो तो जेसन रॉय अभी तक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इनका, क्रिस लिन ने कुछ मैचेस मिस किए पर कुछ मैचेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया। ये देखिए बॉलिंग विद पैट लिन काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। द बैश ब्रदर्स थे, मैकलम तो अब तो नहीं खेल रहे हैं, बिग बैश रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया उन्होंने कुछ सीजन पहले ही, और तो ये एकमात्र बैश और बैशिंग के लिए रेडी ही रहते हैं। लाइम लिविंगस्टन एक डेंजरस बैट्समैन है, कभी कभी विकेट भी चटका लेते हैं। एक जीएल के लिए अच्छी पिक है, रिचर्डसन ब्रिलियंट परफॉर्मर हैं। स्कॉचेस के लिए अभी तक 19 विकेट चटका चुके हैं और टॉप विकेट टेकर है पूरी सीजन के। फैंटेसी टिप्स यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, कैप्टनसी के चॉइसेस, वाइस कैप्टनसी के चॉइसेस, की प्लेयर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों के फॉर्म, बैट्समैन बॉलर सभी के फॉर्म यहाँ पर दिए हुए हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप आपको फिर लास्ट मैच है सभी के चेक करने पड़ते हैं कि कैसा फॉर्म है। यहाँ पर देखिए कितनी सिंपल, जिसके फ्रेंड्स जेसन रॉय 21, 49, 27, 14, तो ये इनकी लास्ट चार परफॉर्मेंस। फिर लाइम लिविंगस्टन 3, 16, 8, 22, 79, 78, तो ये आपको देखने को मिल सकता है, कितनी आराम से आपको पता चल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट परफॉर्मर, यहाँ पर देख सकते हैं विद द पॉइंट्स एंड क्रेडिट्स, कैप्टन वाइस कैप्टन, यहाँ पर चॉइसेस मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको चॉइसेस मिल रहे हैं रॉय के, लाइम लिविंगस्टन की, जॉय रिचर्डसन, क्रिस लिन, जोर्डन ली, विनलमथ, आस की दी, तो ये काफ़ी ठीक ठाक लिस्ट है, पर मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा आपको पिक्स मिलेंगे। आपके पास रॉय है, लाइम लिविंगस्टन एज वाइस कैप्टन, रिचर्डसन एज वाइस कैप्टन, लिन है, डेली है, और ज़्यादा कोई पिक्स नहीं है। 2:15 बजे मैच शुरू होगा, डॉकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में यह मैच खेला जाएगा, और एक डिसेंट पिच है बैटिंग के लिए, 170 का स्कोर मेरे हिसाब से टच होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं टीम्स की ओर। आपको देखने को मिलेगा कि एसएल पॉसिबल 11 की एसएल टीम यहाँ पर लिन कैप्टन, वाइस कैप्टन जेन जेसन रॉय है, दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही ओपनर्स है। जोस इग्नेस इस टीम में, मैक ब्रायंट है, लैम लिविंगस्टन, ग्रेगोर विल्डमट, एक बैटिंग साइडेड टीम है, बार्लेट है, स्कीथी है, टेंडुटाई और जे रिचर्डसन, वही और यूजर्स की टीम जैसे जयबजीत की यहाँ पर टीम देख सकते हैं, बोलर फ्रेंडली पूरी टीम बनाई गई है। और एक और टीम देखे सिविल वाह को, तो इसमें रॉय को कैप्टन बनाया गया, वाइस कैप्टन मैक ब्रायंट, एक अच्छी पिक। मैं मैक ब्रायंट को थोड़ा अच्छा रेट करता हूँ, क्योंकि कभी भी ओपनिंग करते हैं, कभी भी थोड़ी सी हैंडी 40-50 रन अगर बना दे तो वाइस कैप्टन के हिसाब से काफ़ी अच्छी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी टीम की ओर चलते हैं। मैं पीएसएन के साथ नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे बैटिंग करते ये थोड़ी कंसर्न है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ उनके। तो ये फ्रेंड्स ये मेरी पूरी टीम आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अभी दिख रही है, 6-5 का रेशियो। और वहीं जहाँ तक कि कैप्टन वाइस कैप्टन की बात है, तो मैं कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ी सी रिस्क लेना चाहता हूँ, लिन को भी कैप्टन बनाना एक तरह से रिस्क ही माना जाता है। पर देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने जाने वाला है, तो मैं वाइस कैप्टन थोड़ा सा रिस्क लेके बना रहा हूँ विल्डमट को, और कैप्टन में बनाने जा रहा हूँ जेसन रॉय को। तो ये थोड़ी सी सेफर साइड तो है कैप्टनसी, पर वाइस कैप्टन मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया हुआ है। आप देख सकते हैं टीम प्रीव्यू, काफ़ी अच्छी टीम दिख रही फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगा। लाइक करें, कमेंट करें, बताइए कैसी लगी टीम, सब्सक्राइब टू आर चैनल के काफ़ी जरूरी, इंस्टॉल पॉसिबल 11 ऐप विद रेफरल कोड कैपिटल वाई कैपिटल टी। तो चलिए फ्रेंड्स बाय, बहुत सारे पैसे कमाए आप लोग इस मैच से।